हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 23 मार्च 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। टुडे डिस्कशन टॉपिक पर डे की तरह रहेंगे। मोटिवेशन कोट रहेगा जो आपको मोटिवेटेड करेगा। वन लाइनर न्यूजेज रहेंगी, डिटेल करंट न्यूज़ रहेंगी, स्पेशल नॉलेज रहेंगी। स्टेट में मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट क्या है। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय से थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। आपने अगर इच्छा रख ली तो उससे कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि आपने मन में इच्छा ही रखी है, पर कुछ होने वाला नहीं है उससे। पर आपने निर्णय ले लिया कि हमें ऐसा करना है, ये चीज़ जो है ये हासिल करनी है, उससे थोड़ा कुछ बदलेगा। पर आपने निश्चित कर लिया कि हमें ऐसा करना ही है, तो निश्चित है कि आपको आपकी सफलता अवश्य ही मिलेगी। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं वन लाइनर न्यूज़ में पहली न्यूज़ क्या रहेगी। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च 2020 को मनाया गया, इसके लिए थीम क्या रही है, तो आई लव स्पैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस कब मनाया गया है, तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नवरोज दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2020 को मनाया गया, इसके लिए विषय क्या रहा था, तो फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के लिए रहा था। ओके, 22 मार्च जो कल था, तो कल जल दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सामान्य पक्षी की प्रजाति कौन सी जिसे IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में शामिल किया गया है, तो वो है गौरैया, जिसे हाउस स्पैरो भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावित संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर योजना का कुल परिव्यय कितना है, तो वो है 3,862.25 करोड़ रुपये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर निर्माण समर्थन योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला का गठन करने वाले सामानों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत व्यय के कितने परसेंट तक वित्तीय प्रोत्साहन को मंजूरी दे दी है, तो 25% तक जो है वित्तीय प्रोत्साहन है उसको देने की मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन किस गांव की में तीस्ता नदी पर 360 फीट लंबे पुल को यातायात के लिए खोला गया है, तो मुंशी थांग गांव में 360 फीट लंबे पुल को यातायात के लिए खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 महामारी के संबंधी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए व्हाट्सएप ऐप शुरू किया गया है, नया चैटबॉट का नाम क्या है, तो वो है माई गोव कोरोना हेल्प डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की कुल संख्या कितनी है जो 5 साल के भीतर चालू की जाएंगी, तो 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की 8वीं खुशहाली प्रतिवेदन में भारत का क्रमांक कितना है, तो मतलब कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें भारत का 144वां स्थान है। फर्स्ट प्लेस पर जो है फिलीपींस है, तीसरी बार ये फर्स्ट प्लेस पर बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ऊर्जा कुशल विधि विकसित की है जो नैदानिक और जैविक अनुसंधान में कई अनुप्रयोगों का समर्थन कर सकती है, तो IIT खड़गपुर। अब जो भी न्यूज़ फॉर्म हुई है उससे संबंधित सामान्य देख लेते हैं। अब गौरैया की बात हो रही है, तो दिल्ली का राज्य पक्षी जो है वो है गौरैया, मतलब कि हाउस स्पैरो। आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय की स्थापना कब हुई, तो 2014 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई, 7 मई 1960 को, मुख्यालय नई दिल्ली में, संस्थापक है जवाहरलाल नेहरू। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई, 1971 में, मुख्यालय कोलोन स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई, संस्थापक हैं जूलियन हक्सले और मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ओके, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुई है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड की स्थापना कब हुई, तो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, तो अब देखते हैं डिटेल करंट न्यूज़ क्या क्या रहेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप अगर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, और आपको काफ़ी बेनिफिट भी होगा इसमें, काफ़ी चीज़ें आपको, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, न्यूज़
वन लाइनर न्यूज़ भी रहती हैं, डिटेल न्यूज़ भी रहती हैं, कुछ क्वेश्चंस भी रहते हैं, स्टैटिक के भी रहते हैं, जीएस के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करते हैं, तो वो काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। आप 5-6 दिन आप टाइम दीजिए वीडियो को, आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको बहुत सारे जो भी क्लासेस होते हैं उनकी PDF वहाँ से मिल जाएगी। ओके, एंड आपको हमारे टिकटॉक और हेलो ऐप अगर आप यूज करते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर, शेयर चैट, डेली मोशन वेबसाइट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खबरी ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो इंस्टॉल कीजिएगा, और हमारा जो खबरी है चैनल है तैयारी बिगिनर्स की, उसको फॉलो करें, वहाँ से ऑडियो रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वीडियो देखेंगे तो आपको कम जानकारी मतलब कम याद हो सकता है, वहाँ से आप ऑडियो रिवीजन करेंगे तो 10 टाइम बेटर आपको लर्न हो जाएगा, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको वहाँ पर फॉलो भी करना है और ऑडियो रिवीजन भी करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब न्यूज़। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने टेक फॉर ट्राइबल्स कार्यक्रम शुरू किया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ ने जनजातीय लोगों को उद्यमता कौशल प्रदान करने के लिए टेक फॉर ट्राइबल कार्यक्रम शुरू किया। नामांकित लोग 6 सप्ताह में फैले 30 दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण से गुजरेंगे, इसमें कुल 120 सत्र शामिल होंगे। नेक्स्ट है न्यूज़, घरेलू गौरैया IUCN मतलब कि IUCN प्रकृति संरक्षण के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघ है कि रेड लिस्ट में एक प्राय प्रजाति हो गई है। जो हाउस स्पैरो है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ मतलब IUCN के रेड लिस्ट में लुप्त प्राय हो गई है, मतलब ये लुप्त तो हो चुकी है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम हमने अभी आपको बताई आई लव स्पैरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र में पाया गया है कि हिटिंगन नामक रोगजनक प्रोटीन समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी का कारण बनता है। डॉक्टर अमिताभ मजूमदार के मार्गदर्शन में पुणे में शैल विज्ञान के लिए राष्ट्रीय केंद्र के वैज्ञानिकों ने देखा है कि रोगजनक हिटिंगन प्रोटीन कोशिकाओं में समग्र प्रोटीन उत्पादन में कमी के कारण बनता है। हिटिंगन रोग एक प्रगतिशील आनुवंशिक विकार है जो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हिटिंगन रोग किससे संबंधित होता है, तो ये आनुवंशिक विकार है, मतलब कि अगर आपके फादर को है तो आप में भी होने की आशंका रह सकती है, और ये क्या होता है, जो आपका माइंड होता है उसे प्रभावित करता है, उसे इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है। 20 मार्च 2020 को लोकसभा ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। यह विधेयक भोपाल, सूरत, भागलपुर, रायचूर और अगरतला में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित 5 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थिति में संशोधन करके उन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान बनाकर लागू करना चाहता है। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। रक्षा मंत्री द्वारा किए गए ड्राफ्ट रक्षा खरीद पर 2020 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा जारी रक्षा खरीद प्रक्रिया 2020 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से निजी उद्योग को सक्षम बनाने के लिए केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के साथ गठबंधन किया गया है, जो भारत को दुनिया भर में विनिर्माण हब में बदलने के अंतिम लक्ष्य के साथ है। DPP 2020 रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाएगा। ठीक है, अब रक्षा मंत्री की बात हो रही है तो इनका निर्वाचन क्षेत्र भी आपको याद रखना है, तो इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ओके, अब बात करेंगे स्पेशल नॉलेज की। स्पेशल नॉलेज में हम फिक्की को डिस्कस करने वाले हैं। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में कहेंगे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं फिक्की। ओके, ये क्या है, भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है। इसकी स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला एवं पुरुषोत्तम दास ठक्कर के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2016 से पंकज पटेल अध्यक्ष हैं। वर्तमान में महासचिव दिलीप चिनॉय जी हैं, जो कि 17 अप्रैल 2018 को बने। वर्तमान इसके अध्यक्ष जो है वो संगीता रेड्डी और उपाध्यक्ष उदय शंकर जी हैं।
अब स्टेट में हम मध्य प्रदेश को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश की कैपिटल होती है भोपाल, सबसे बड़ा शहर जो है वो है इंदौर। इंदौर जो स्वच्छता की इंडेक्स है उसमें भी फर्स्ट प्लेस पर, तो ये भी आपको याद रखना है। ज़िले जो हैं यहाँ पर वो हैं 52। राजभाषा मध्य प्रदेश की है हिंदी और सिंधी। गठन अगर मध्य प्रदेश का पूछ लिया जाए तो वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल जो है लालजी टंडन है और कमलनाथ जी सीएम थे, इन्होंने दे दिया इस्तीफा। तो अभी तक जब तक कोई नया नहीं बनता है तब तक आप याद रखिएगा कि केवल राज्यपाल है वहाँ पर लालजी टंडन जी। अब जो सीएम बनेंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें जो हैं 231 हैं। भारतीय संसद राज्यसभा की सीटें जो हैं 11 हैं। लोकसभा की सीटें जो हैं वो 29 हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का पूछ लिया जाए तो जबलपुर में है, और खंडपीठ अगर पूछ ली जाए तो इंदौर और ग्वालियर में है। मुख्य न्यायाधीश अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वो हैं अजय कुमार मित्तल जी। मध्य प्रदेश की सीमाएं जो हैं 5 राज्यों से मिलती हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश से मिलती हैं, पूर्व में मिलती हैं छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में मिलती हैं महाराष्ट्र से, पश्चिम में गुजरात से, तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान से मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है, हाल के वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर राष्ट्रीय औसत से सबसे ऊपर रही है। अब जो इस राज्य की जीडीपी है वो सबसे ऊपर रही है। खनिज संसाधनों में समृद्ध मध्य प्रदेश हीरे, अब हीरा अगर पूछ लिया जाए किस जिले में मिलता है मध्य प्रदेश के, तो पन्ना जिले में मिलता है हीरा। तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अपने क्षेत्र की 30% से अधिक वन क्षेत्र के अधीन है। इसके पर्यटन उद्योग में काफ़ी वृद्धि हुई है। राज्य ने बस 2010 से 11 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार भी जीता था। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, पर हाँ अगर कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहा है मध्य प्रदेश का, उसमें ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार किस ईयर दिया गया था मध्य प्रदेश को, तो 2010 से 2011 में दिया गया था। जो भी आपका ऑप्शन सही हो उस पर आप टिक कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश मुख्य रूप से अपने पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। भीमबेटका, पंचवटी, खजुराहो के टेम्पल जो कि चंदेलों ने बनवाए थे, सांची स्तूपा जिसका अशोक ने निर्माण कराया था, ग्वालियर का किला, उज्जैन मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में प्रमुख उदाहरण है। ओके, उज्जैन जिले में प्रत्येक 12 वर्षों में कुंभ, सिंहस्थ भी इसे कहते हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। मेले का पुंड पर विश्व स्तर पर प्रसिद्ध। अब ये तो आप जाते हैं, कुंभ 4 जगह लगते हैं और 2 6 वर्षीय लगते हैं और 2 12 वर्षीय लगते हैं। तो जो उज्जैन का कुंभ का मेला लगता है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगाया जाता है। अब इसमें वन्य क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। यह प्रदेश का पहला टाइगर प्रोजेक्ट भी है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है। सर्वाधिक बाघ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। बाघों का सर्वाधिक घनत्व बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु जो है वो है चीतल। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जीव मंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अचन कुमार बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व अगर पूछ लिया जाए तो कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और संजय टाइगर रिजर्व। अब बात हो रही है स्टैटिक जीके की। अब स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो हम बात करेंगे गूगल की। ओके, स्थापना हुई गूगल की मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में 4 सितंबर 1998 में। संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो सर्गेई ब्रिन, लैरी पेज हैं। मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका है। प्रमुख व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए तो सुंदर पिचाई जी हैं, सह संस्थापक एवं सीईओ हैं। एरिक स्मिट कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सर्गेई सह संस्थापक हैं। अब बात करेंगे विश्व बैंक की। विश्व बैंक की अगर टैगलाइन पूछ ली जाए तो वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। स्थापना हुई 19 जुलाई 1944 को और मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। सदस्य देश 189 हैं जो कि IVRD से हैं। IVRD की फुल फॉर्म अगर पूछ लिया तो आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 173 देश जो हैं इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से आते हैं। IDA की स्थापना अगर पूछ लिया तो 1960 में हुई थी। डेविड मालपास जो है विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्योंकि विश्व बैंक से क्वेश्चन अभी बन सकता है। इन्होंने जो कोविड 19 के लिए $2 अरब की राशि दी थी, अब वो इन्होंने 14
अरब डॉलर कर दी है। ठीक, क्रिस्टीना जॉर्जिया जो है सीईओ है, पॉल रोमर मुख्य अर्थशास्त्री हैं। अब विश्व बैंक है क्या? विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। अब बात करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो संविधान से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता था? तो अनुच्छेद 370। अब 370 हटा दिया गया तो इसको बता दिया गया केंद्र शासित प्रदेश, मतलब कि यूनियन टेरिटरी। अब यूनियन टेरिटरी बना तो दिया गया, तो अब इसमें एक उपराज्यपाल बनाए गए, क्योंकि पहले राज्यपाल हुआ करते थे, तो अब यहाँ पर बनाए गए उपराज्यपाल, तो उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। ओके, इसी तरह लद्दाख की अगर पूछ लिया तो वो हैं आरके माथुर। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित होती है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व में। और अगर पूछ लिया जाए राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम या उत्तम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? जब तक उनकी आयु 65 वर्ष पूरी नहीं होती तब तक उनका कार्यकाल रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति में और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। नीति आयोग का पदेन जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग बनाया कब गया? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग किस प्लान की जगह पर लाया गया? तो योजना जो प्लानिंग कमीशन थी, योजना आयोग था, उसकी जगह पर लाया गया। नीति आयोग एक थिंक टैंक है और ये संविधान नेतर निकाय है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनके MD एंड CEO पूछ ले जाएँ तो वो अमिताभ कांत जी हैं। उपाध्यक्ष पूछ ले जाएँ नीति आयोग के तो वो हैं राजीव कुमार जी। ओके, मुख्यालय अगर पूछ ले जाए तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है, संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक जो होता है वो संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन चलाता है। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को। ठीक है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष से बात हुई तो लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में हमारे कौन है? ओम बिरला जी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र है कोटा, राजस्थान। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों का संगठन करें। अब पंचायतों की बात हो रही थी, इसमें आर्टिकल कौन सा यूज होता है? तो नौ। ठीक है, मतलब भाग 9 में पंचायतों का जो ग्राम पंचायत है उसका विवरण है, अनुसूची 9 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये तो आज का हमारा था करंट अफेयर विद स्टैटिक, GK का क्वेश्चन, GK का और GS के साथ ही बहुत ही अच्छा सा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है, टिकटॉक हलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक पर भी आप फॉलो कीजिए, काफ़ी बेनिफिट होगा, ट्रिकी वहाँ से आपकी चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ कल हमने एक वीडियो पोस्ट किया था वहाँ पर, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारतीय थे, उसमें ट्रिक के द्वारा बहुत ही इंटरटेनमेंट के बाद आप वहाँ पढ़ भी सकते हैं और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो वहाँ आप फॉलो कीजिएगा तैयारी बिगनर्स की के नाम से, वहाँ पर भी आपको हमारा अकाउंट मिल जाएगा। एंड आपको हमारे ट्विटर और शेयर डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज करते हैं वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, खबरी आप इंस्टॉल भी करें अगर नहीं है तो तैयारी बिगनर्स की वहाँ सर्च करके फॉलो करें और ऑडियो रिवीजन ज़रूर से करें। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे क्या होगा जो भी क्लासेस होती हैं उनकी PDF आपको मिल जाएगी, आप नोट्स बनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप वीडियो देखेंगे, ऑडियो रिवीजन करेंगे खबरी ऐप से और
नोट्स बनाएंगे टेलीग्राम ग्रुप से, तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा और आपका जो भी सिलेक्शन है कोई भी नहीं रोक सकता अगर आप इस तरह काम करेंगे तो। ओके, तो आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहिए और घबराइए नहीं, मन में जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।